ग्वालियर में नौकरी से बर्खास्त किए गए परिवहन आरक्षक प्रखर पांडे और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को जस्टिस अनिल वर्मा ने बर्खास्त आरक्षक को राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि राकेश तोमर और अरुण यादव को अन्य बेंच से मिले स्टे को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। मामले की शुरुआत साल 2012 से हुई, जब परिवहन आरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें 45 पद महिला आरक्षकों के लिए थे, लेकिन इन पदों पर पुरुष आरक्षकों की भर्ती कर ली गई। मामले में एक महिला अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस आदेश को मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिली।